हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। आप घर पे हो स्टूडेंट्स? फाइन। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट जीके। नाउ वी स्टार्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 34 वर्ल्ड ट्रैवल। ओके, चैप्टर 33 तक मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 34 वर्ल्ड ट्रैवल। वर्ल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट दुनिया, ट्रैवल मीन्स होता है मुसाफिर। ओके स्टूडेंट्स, आई मीन वर्ल्ड, अगर हमें देशों में सफ़र करना है अलग देशों में, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन से देश में जाएंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बताया गया वर्ल्ड ट्रैवल। ओके, देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हमारे देश में देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हमारे जो वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में मैनी कंट्रीज, बहुत ही अलग अलग सब राष्ट्र हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द सम ऑफ देम। ओके, और हर हमें कि ये जो कंट्री, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग देशों के नाम भी दिए गए, और प्लस हर्ड में इसका समूह, इन देशों के समूह के नाम दिए गए हैं। ठीक है, नेम द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। ओके, आपको लिखना है नाम ऐसे कंट्री कैसे नाम लिखना है, जो इसे क्लूज दिए गए इनकी हेल्प से, हमें इन कंट्री के नेम हेल्प, इनके ये कंट्री जो दिए गए हैं, इन राष्ट्रों के नाम यहाँ पर कंप्लीट करना है। वन नंबर, द स्टेट ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड हर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन एंड चिकेजो। ओके, चिकेजो आर इट्स फेमस सिटीज। ओके, तो स्टैंड से ये जो स्टेट से ये जो राज्य है लिबर्टी इज सिचुएटेड, स्थित हैं इसे ये जो देश है, इसमें लिबर्टी स्थित है। कहाँ पर है लिबर्टी? न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन। ओके, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड चिकेजो जो ऐसे इस फेमस सिटी से, ऐसे ये प्रसिद्ध शहर है। कहाँ पर है स्टैंड से? ये है हमारे USA में स्थित है। अगर हमें वर्ल्ड ट्रैवल करने जाना है, सफ़र के लिए जाना है, तो हमें इनके इनके बारे में जानकारी होगी, तो हम अच्छी तरह वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये स्टेट, ये राज्य है, कहाँ पर स्थित है ये? वाशिंगटन, ठीक है जो, और ये जो न्यूयॉर्क, कहाँ पर? USA में स्थित है स्टूडेंट्स। टू नंबर, द कंट्री इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स सुमो व्रिस्टलर्स। ओके, व्रिस्टलर्स कंट्री मीन्स स्टूडेंट्स, ये कौन सा राष्ट्र है जहाँ पे सुमो, सुमो के लिए जो देश बहुत विख्यात और प्रसिद्ध माना जाता है, तो स्टूडेंट्स कौन सा देश है वो? जापान। क्या है? जापान। ओके स्टूडेंट्स, सुमो पहलवान हमें कहाँ देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स? ज़्यादातर हमें जापान में। तीन नंबर, द कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया, ये जो राष्ट्र है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो राष्ट्र है जो हमारे इंडिया के बॉर्डर पे है। ओके, इंडिया और पाकिस्तान के यानी कि बॉर्डर पे हैं। तो स्टूडेंट्स, द हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट इज द लॉकेट हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो दुनिया की सबसे ऊँची जो सबसे ऊँचा पर्वत है ना, कौन सा स्टूडेंट? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स? ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। फोर नंबर, द कंट्री हैज़ द लार्गेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, द ग्रेट वॉल सिचुएटेड हर। ओके, ये जो हमारे देश का बहुत ही लंबा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे हमारे देश की सबसे लंबी और ऊंची दीवार मानी जाती है, कैसे, कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? बताइए स्टूडेंट्स, गैसेस करिए, ये कहाँ का है फ्लैग? बताइए स्टूडेंट्स, कहाँ पर है? चाइना में। ओके स्टूडेंट्स, चाइना में सबसे लार्गेस्ट, सबसे ऊंची और पॉपुलेशन और बहुत ही प्रख्यात है दीवार, कहाँ पर है? वो चाइना में स्थित है। फाइव नंबर, लंदन आई एंड बिग बैन आर सम ऑफ द फेमस अट्रैक्शन ऑफ द कंट्री। ओके, लंदन स्टूडेंट्स, जो लंदन है, ओके सर, इंग्लिश में लंदन कहते हैं और हिंदी में लंदन। ओके, जो लंदन शहर है स्टूडेंट्स, वो प्रख्यात है किसके लिए? अट्रैक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर अलग अलग के देखने लायक काफ़ी जगह है, जैसे कि जो वर्ल्ड ट्रैवलिंग करना, तो काफ़ी उसके स्टूडेंट्स अट्रैक्शन होंगे स्टूडेंट्स। तो लंदन आई, लंदन देखने के लिए सबसे बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है स्टूडेंट्स। तो ये लंदन कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंग, यूनाइटेड किंगडम में लंदन। तो स्टूडेंट्स, किंग, यूनाइटेड किंगडम में लंदन स्थित है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको करना है CW नोटबुक्स में कंप्लीट करना है स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट जी के चैप्टर 34 वर्ल्ड ट्रैवल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से करना है आपको आपकी CW। नेम द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। ओके स्टूडेंट्स, इसके क्लू की हेल्प से हमने कंप्लीट किया है। वन नंबर, द स्टेट ऑफ द लिबर्टी ऑफ द सिचुएटेड हर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड चिकेजो आर फेमस सिटीज। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स लिबर्टी, लिबर्टी कौन से राज्य में स्थित है? लिबर्टी है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड चिकेजो, फेमस सिटीज। क्या स्टूडेंट? प्रसिद्ध शहर है। कहाँ पर? ये USA में स्थित है।
टू नंबर द कंट्री इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स सुमो व्रिस्टल. ओके, ये जो राष्ट्र है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सुमो के लिए कौन है? जापान. क्या स्टूडेंट? जापान. ओके, तो स्टूडेंट सुमो पता है, सुमो जो होता है स्टूडेंट, सुमो जो होता है स्टूडेंट कुश्ती, लड़ाई कर कुश्ती और फाइटिंग करते हैं स्टूडेंट्स. और ये काफ़ी काफ़ी यहाँ पे जो सुमो पहलवान है, जो कहते हैं सुमो पहलवान भी कहा जाता है ना, ये जापान में है. काफ़ी जैसे कि फाइटिंग में, लड़ाई में करना हो तो ये काफ़ी एक्सपर्ट है. थ्री नंबर द कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया. जो कंट्री है, ये जो राष्ट्र है हमारे, बॉर्डर है ना, बॉर्डर मीन्स का मतलब बीच का. ओके, जो विथ इंडिया के बॉर्डर पर है. द हाइएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट इज द लॉकेट हैरो. स्टूडेंट्स ये हमारे स्टूडेंट्स, ये जो माउंट एवरेस्ट पता है आप लोगों को, सबसे ऊंचा शिखर किसे माना जाता है? माउंट एवरेस्ट. और ये कहाँ पर स्टूडेंट्स? नेपाल में स्थित है. फोर नंबर द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. द ग्रेट वॉल इज सिचुएटेड हर. ओके स्टूडेंट्स, सबसे लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, ऊंची ग्रेट महान दीवार के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है वो? चाइना में. लंदन आई एंड बिग बैन आर सम ऑफ द फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस कंट्री. ओके, लंदन. ओके स्टूडेंट्स, लंदन ऐसा देश है जो घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अट्रैक्शन, बहुत ही अट्रैक्ट, उसको देख के बहुत अट्रैक्शन की आई होप सभी बोलते कि मुझे लंदन जाना है. तो अट्रैक्शन वो देश है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रैवलिंग करने के लिए स्टूडेंट्स ये सब देश बहुत ही बेस्ट है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह से करना है चैप्टर 34 आपकी सीडब्ल्यू नोटबुक्स में एंड वर्कबुक्स में. अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 35. चैप्टर 35 फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, फेमस इसे प्रसिद्ध हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसे जो फेमस हैं ये प्रसिद्ध में पर्सनालिटी के लिए ये लोग दुनिया में प्रसिद्ध इसे कि फेमस हैं. टू विच कंट्री डू दिस फेमस पीपल बिलोंग. ओके स्टूडेंट्स, इसमें से कौन से राष्ट्र हैं कि जो अपने देश के लिए इसे स्टूडेंट्स बताया गया, इसे कौन से राष्ट्र हैं कि जो अपनी अपनी पर्सनालिटी के लिए फेमस है, इसके बारे में बताया गया चैप्टर में. देखो वन नंबर में ही इज़ द फेमस लीडर ऑफ द. ओके स्टूडेंट्स, तो ही इज़ द फेमस, ये जो महान नेता है अपनी क्या व्लादिमीर पुटिन. ओके, व्लादिमीर पुटिन कौन स्टूडेंट्स? इज़ द फेमस द लीडर ऑफ, ये नेता है, नेता बहुत ही फेमस हैं. ये कहाँ के नेता हैं स्टूडेंट्स? ये कहाँ के नेता हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर इसे करना चूज़ करना है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये जो हैं ये हमारे, तो स्टूडेंट्स ये जो फेमस लीडर है ये रूसिया का. ओके, रूसिया जो देश है उसका ये फेमस लीडर, उसके प्रसिद्ध नेता है. ओके, ये पर्सनालिटी अपने पर्सनालिटी के लिए इज़ द फेमस लीडर ऑफ द रूसिया. फिर ही वॉज एन एक्टिविटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, ये नेल्सन मंडेला. ओके, नेल्सन मंडेला ये है अपने क्या स्टूडेंट्स? एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या है स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री. स्टूडेंट्स कहाँ के हैं स्टूडेंट्स? ये प्रधानमंत्री ये हैं साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं. साउथ अफ्रीका. थ्री नंबर ही इज़ फेमस पॉलिटिशियन एंड रेगुलेटरी ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था फेमस पॉलिटिशियन? ओके सॉरी, फॉर्मुलस पॉलिटिशियंस मिस होता है राजनीति और रेवोल्यूशनरी मिस होता है क्रांतिकारी. ओके, राजनीति और क्रांतिकारी के लिए प्रसिद्ध है कौन है? फिडेल कैस्ट्रो. ओके, तो स्टूडेंट्स ये कहाँ के? फिडेल कैस्ट्रो, जो फिडेल कैस्ट्रो है ये हमारे कौन से देश के लिए फेमस है? ये क्यूबा के लिए. कहाँ के फेमस है? क्यूबा, क्यूबा शहर के फेमस हैं ये राजनीति और क्रांतिकारी के लिए. फिर ही इज़ द फेमस लीडर ऑफ द क्या स्टूडेंट? बैराक ओबामा. ओके स्टूडेंट्स, ओबामा का नाम तो आप लोग ने आई होप सुना होगा. ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ के लिए फेमस है? ये है बैराक ओबामा है हमारे इस फेमस हैं. फोन नंबर ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस हैं. तो ये स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस लीडर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इज द फेमस लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये जो नेता हैं जो बैराक ओबामा है यूनाइटेड देश के, ये प्रसिद्ध क्या है स्टूडेंट्स? नेता हैं. फिर यहाँ पर ही इज द फेमस फिजिस्ट ऑफ द. ओके स्टूडेंट्स, ये कौन है? स्टेफिन हॉकिंग. ओके, स्टेफिन हॉकिंग ये कौन से फिजिस्ट में, इसका भौतिक विज्ञानी के लिए कौन सा फेमस है? ये स्टेफिन हॉकिंग. तो स्टूडेंट्स ये बहुत क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रसिद्ध हैं भौतिक विज्ञानी के लिए स्टीफन हॉकिंग. कहाँ के फेमस है? ये यूनाइटेड किंगडम के, यूनाइटेड किंगडम. सिक्स नंबर सी इज पॉलिटिशियन फ्रॉम. स्टूडेंट्स ये जो लेडीज है, ओके, इनका नाम क्या है? ऑंग शान सू की. ओके, ऑंग शान सू की
तो सुन, ये राजनीति के लिए फेमस है, कहाँ की है? म्यांमार की। कहाँ की है ये? म्यांमार। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ, ये फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने देश, ये वर्ल्ड में अपनी फेमस पर्सनालिटी के लिए ये फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, ही इज़ द फेमस लीडर ऑफ द व्लादिमीर पुतिन। ये फेमस है नेता, कहाँ के? रूसिया के फेमस है। ही वॉज एक्टिविटीज एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द, ओके स्टूडेंट्स, नेल्सन मैंडेला एक्टिविटी और प्रेसिडेंट है, अपनी एक्टिविटी के लिए, कार्यरत के लिए, और अपने ये प्रधानमंत्री कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। फेमस पर्सनैलिटीज हैं। फिर इज द फेमस पॉलिटिशियंस एंड रिवोल्यूटरी ऑफ द, ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? फिडेल कास्ट्रो। ये कहाँ स्टूडेंट्स? ये पॉलिटिशियन एंड रिवोल्यूटरी के, राजनीति और क्रांतिकारी के, कहाँ, कौन से देश के? क्यूबा के फेमस पर्सनैलिटीज हैं। फिर इज द फेमस लीडर ऑफ द, स्टूडेंट्स, ये जो महान है, बताया गया, ये जो महान नेता है यूनाइटेड स्टेट्स के, इनका नाम क्या है? बैरक ओबामा। ही इज़ द फेमस फिजिस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ओके। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है भौतिक विज्ञान के, ये भौतिक विज्ञान में फेमस है, क्या है? स्टीफन हॉकिंग का नाम है, और कौन से देश के? यूनाइटेड किंगडम के फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सी इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द म्यांमार, ओके स्टूडेंट्स, ये जो लेडी से दिख रही है आपको, ये लेडी है ऑंग सान सू की, ओके। ऑंग सान सू की फेमस है, कहाँ की है? राजनीति के लिए फेमस है, ये म्यांमार में फेमस है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 34 एंड चैप्टर 35 कंप्लीट्स वर बुक्स एंड सी डब्ल्यू नोटबुक, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे देखिए स्टूडेंट्स, ये फेमस पर्सनैलिटी है, किसके? पूरी वर्ल्ड के फेमस पर्सनैलिटी के रूप में इन्हें माना जाता है। फ्रेंड्स, चैप्टर 36 लर्न बाय हार्ट कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।